सो गाइस, कल हम लोग कामाख्या मंदिर घूम लिए, तो आज हम लोग का गुवाहाटी में सेकेंड डे और हम लोग जा रहे हैं आसपास के कुछ एरिया घूमने जहाज में चढ़ के। तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे भीड़ है, लोग अपने बाइक लेके भी शिप में चढ़े हुए, कोई काम पे जा रहा है, कोई पढ़ाई करने जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग जाते जाते रास्ते में यहाँ पे शिप यार्ड में हमको मकई मिला, तो हम लोगों ने खा लिया, काफ़ी टेस्टी था। सो सबसे पहले हम लोग आए हैं गुवाहाटी के प्लानिटेरियम में, जहाँ पे एक 3D शो होता है, तारामंडल दिखाया जाता है और काफ़ी कुछ साइंटिफिक चीज़ें दिखाई जाती है जिसको बहुत फील कर सकते हैं हम लोग। तो चल के देखते हैं हम लोग कैसा है अंदर। तो अभी हो रहा है 10:30, हम लोग का शो स्टार्ट होगा 11 बजे, तब तक थोड़ा बाहर हम लोग घूम लेते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ पर ये पोज दे रहे हैं अपना। सो गाइज, यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक बार में अंदर 135 पर्सन ही रह सकते हैं और टिकट का फेयर है 50 रुपये पर आदमी। और शो के बस 10 मिनट पहले ही आपको टिकट मिलेगा, शो 1 घंटे का रहेगा और शाम को यहाँ पे एक टेलीस्कोप शो होता है जो कि बिल्कुल फ्री है। गाइस, शो का रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे हम लोग का शो हुआ था ऊपर में, काफ़ी बढ़िया था। शो सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अब बढ़िया था, बहुत पसंद आया मुझे तो। मतलब ऊपर जो कुछ भी दिखाया जा रहा था, ऐसा फील हो रहा था हम उनके साथ जी रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक लग रहा था गाइस। सो मैं आप लोग को कमेंट करूंगी कि आपके घर में अगर बच्चे हैं जो 6-7 के आसपास पढ़ते हैं या फिर आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उनको लेके एक बार प्लानिटेरियम जरूर जाइएगा, काफ़ी मज़ा आएगा गाइज। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, हमने बहुत इंजॉय किया। आफ्टर इंजॉइंग प्लानिटेरियम हम गए पास में ही स्थित एक दिघोली पुखरी नाम का प्लेस में, जो कि यहाँ पे फेमस ही है, एक पॉन्ड एरिया है, पार्क है। तो हम यहाँ अंदर गए, यहाँ से टिकट लेना था तो पर पर्सन हमको 20 रुपीज़ करके टिकट मिला, तो टिकट लेके हम लोग गए अंदर। पुखुरी मतलब आसामी का जो पुखुरी बोलते हैं, पॉन्ड को बोलते हैं ना, दिघोली पुखुरी, दिघोलिया पुखुरी, दिघोली पुखुरी। वाओ, एकदम पीसफुल प्लेस है। वाओ, लुक हियर, देखिए पॉन्ड के बीच में एक पक्षी कितना आराम से बैठा हुआ है, मस्ती में। वाह, काश हम भी वहाँ पे जाके बैठ पाते, कितना पीसफुल लग रहा है प्लेस ही। देखिए एकदम पानी से घिरा हुआ बीच में, ये यहाँ पर बोटिंग भी अवेलेबल है, यहाँ से बोटिंग किया जाता है, यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, उधर दूर में बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग नहीं कर रहे बोटिंग क्योंकि बहुत बारी कर चुके हैं बोटिंग, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे जस्ट घूमेंगे हम लोग और कुछ नहीं। यहाँ पे फ्लावर्स बहुत अच्छे से लगाया, मेरी गोल्ड डालिया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दे आर गेटिंग रेडी फॉर द राइड। सोचा था हम बोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ आई थी एक छोटी बच्ची जिसको करना था बोटिंग। सो सोच लिया चलो हम लोग भी कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय भी हो जाएगा और वीडियो का वीडियो भी बन जाएगा। सो फाइनली हम लोग भी चढ़ गए बोट में और हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। ये तो गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर गुवाहाटी के एक बड़े से लेक पे, कविता शर्मा, मिस कविता शर्मा ब्लॉग, वो पैडल कर रही है नाव को। पार्क में बोटिंग एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर आके खाए मिशली, इसको हम लोग तो बंगाल में मिशली बोलते हैं, आप लोगों का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, डन। 1000 रुपीस है, 1000 रुपीस से मुझे
खरीदना है? 4 से 5 किलो। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो खरीदा ये एक हुडी पर्पल कलर का, जो BTS फैन है उनको तो पसंद ऑब्वियसली आएगा, लेकिन आई एम नॉट अ BTS फैन, फिर भी मुझे पर्पल कलर का ये ओवरसाइज हुडी बहुत पसंद आया। इसका पड़ गया मुझे 400 रुपीज। देखो कितना सुंदर है, ओनली 400 रुपीज। और दूसरा मिलेगा क्या है यहाँ पे, मैंने लिया है ये एक, हाँ अच्छा ये एक पैंट लिया मैंने, इसका पड़ गया मुझे 250। देखिए सुंदर सा पैंट है, 250 में काफ़ी कंफर्टेबल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कभी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में या फ्लाइट में किसी भी जगह में बहुत अच्छा दिखेगा। और ये व्हाइट कलर का टी शर्ट लिया है, सुपर पीस 250 करके था, तो मैंने 1, 2, 3 लिया है। ये उनके लिए है जिन्होंने मुझे पैसा दिया था 1000 रुपीज का चैलेंज, मेरे लिए नहीं है ये, फिर भी अच्छा लगा था 250 पर टी शर्ट का, 250 पड़ा तो 3 टी शर्ट ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली 1000 से ऊपर बजट गया मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंस करके कुछ और खरीदा जाए मार्केट से। तो मैंने लिया आसाम का एकदम फेमस चीज़, जो बहुत फेमस है आसाम में, इसी के लिए जाना जाता है, मेखला चादर, इसको बोलते हैं मेखला चादर, सुंदर है, जिसका पड़ गया 700 रुपीज। और ये मैंने एक लिया ये जीन्स मेरे लिए, देखिए पॉकेट वाला जींस काफी बढ़िया है, बहुत पसंद आया, कूल लुक मिलेगा, ये ओनली 500 रुपीज, दिखे वाव, आई एम लविंग दिस। तो यही था मेरा आज का शॉपिंग, बहुत सारा सामान लिया, अच्छा एक हाँ और एक मेखला लिया है, मैं मम्मी के लिए लिया है, इसे दिखाती हूँ आपको, ये मेखला है मम्मी के लिए, ये भी सेम प्राइस है, तो जब आसाम आ गए हैं तो मम्मी के लिए भी कुछ लेके जाते हैं, इसलिए मम्मी के लिए मेखला। तो ये सारा शॉपिंग था आज का मेरा, तो मेरा चैलेंज तो था 1000 रुपीज का, तो 1000 के अंदर उनके अकॉर्डिंग में बस 3 ही सामान ले पाई, 5 सामान तो नहीं ले पाई, लेकिन देख देख के ऐसा मन कर रहा था ये भी उठा लूँ, सब कुछ कम दाम में था, तो मेरा इधर उधर करके 2500 जैसा चला गया, उससे ऊपर नहीं गया, बस 2500 के आसपास में सारा सामान आ गया, देखिए कितना ज़्यादा सामान, सो आई एम वेरी हैप्पी, इसको शॉपिंग करके बहुत मज़ा आया। कभी भी आप लोग कुछ खरीदना चाहते हो कम दाम में, या फिर आसान से कुछ मेमोरीज लेके जाना चाहते हो, तो फैंसी बाजार जाइएगा, वहाँ पे कम दाम में सब कुछ पाइएगा, एवरीथिंग था वहाँ पे, लेकिन मैंने बस क्लोथ्स लिया क्योंकि मेरा वीकनेस ही क्लोथ्स है। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।